أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सब बच्चे दुआ आगाज़ के लिए तैयार हैं। आप सब हाथ बांधकर अदब से दुआ आगाज़ के लिए बैठ जाइए और सब बच्चे बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे। बच्चों, आज की दुआ आगाज़ में हम तावुज़ तस्मिया के साथ सूरतुल अलक, सुबह शाम की दुआ, वालिदैन के लिए दुआ की दोहराई करेंगे और दुआ इकबाल भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप सब बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ेंगे। تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। सूरतुल अलक की दोहराई हमने की और यकीनन आप सब ने बहुत अच्छी याद कर ली है सूरतुल अलक। और अब हम दुआओं की दोहराई करेंगे। ठीक है ना, दो दुआएं हम पढ़ चुके हैं, सुबह शाम की दुआ और वालिदैन के लिए दुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुबह शाम की दुआ। सब बच्चे दुआ के लिए हाथ उठाइए, ठीक है, और अदब से दुआ पढ़िए। सुबह शाम की दुआ। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمين। अब हम पढ़ेंगे वालिदैन के लिए दुआ। और यकीनन सब बच्चे अपने अम्मी अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं करते होंगे, है ना, और अपने अम्मी अब्बू की बात भी मान रहे होंगे। ठीक है ना, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते, वालिदैन को परेशान नहीं करते और उनकी बात एक आवाज़ में सुनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वालिदैन के लिए दुआ। रब्बिर हम हुमा रब्बिर हम हुमा كما ربياني صغيرا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين। और अब सब बच्चे दुआए इकबाल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी आवाज़ से टीचर के साथ दुआए इकबाल। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यार, इल्म
की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस रह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बच्चों, आज की दुआ आगाज़ में हमने सूरतुल अलक, सुबह शाम की दुआ, वालिदैन के लिए दुआ और दुआ इकबाल पढ़ी है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने दुआ आगाज़ बाकायदगी के साथ रोज़ाना सुननी है ताकि इसमें पढ़ाई जाने वाली तमाम दुआएं, तमाम सूरतें और दूसरी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएं, ठीक है ना बच्चों। अगली दुआ आगाज़ तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।